नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 पर। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरें सुपर फास्ट स्पीड में। दिल्ली के नरेला इलाके में फिर एक सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी के गेट पर डिलीवरी हुई। अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई महिला ई रिक्शे में ही दर से तड़पती रही और परिजन इमरजेंसी में डॉक्टरों से मिन्नत करते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा, महिला ने ई रिक्शे में ही बच्ची को जन्म दे दिया। नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल का कहना है कि जब उन्हें पता चला तभी तुरंत उसे भर्ती कर लिया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि 12:50 से 1:23 तक कैमरा ने सारी तस्वीरें कैद की हैं। बीती रात राजधानी दिल्ली में सड़क हादसे में बाइक सवार एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित दीपम के मुताबिक उसके साथ लूटपाट हुई और बदमाश उसके बाद उसका पीछा करने लगे, लेकिन जैसे ही बदमाश रूपनगर के शक्तिनगर चौराहे पर पहुंचे तभी दीपम की कार से बदमाशों की एक बाइक को टक्कर लग गई, जिसमें एक बदमाश की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। उनके इस दौरे में दोनों के बीच सीमा विवाद पर पूर्ण विराम लगने की उम्मीद है। पीएम की इस यात्रा के दौरान भारत अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को $1 अरब की आर्थिक सहायता भी आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही कारोबारी मदद में भी इजाफा किया जाएगा। पीएम मोदी के इस दौरे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी। इस दौरान तिस्ता जल विवाद पर भी बातचीत होगी। ढाका पहुंच रहे पीएम मोदी सबसे पहले शहीद स्मारक जाएंगे। ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। शहर के मुख्य चौराहों पर उनके स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और ममता बनर्जी के साथ दोपहर के भोजन के बाद मोदी 2 सीमा पार बस सेवाओं, कोलकाता ढाका अगरतला बस सेवा और ढाका गुवाहाटी शिलोंग बस सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही ममता लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट पर दस्तखत करेंगी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता में जमीन समझौते होंगे और जमीन की अदला बदली की जाएगी। सुबह ढाका पहुंचने के बाद मोदी का पहला कार्यक्रम शहीद स्मारक जाने का है। पीएम मोदी के सम्मान में शेख हसीना ने रात्रि भोज आयोजित किया है। इसके बाद अगले दिन मोदी श्री श्री ढाकेश्वरी मंदिर, रामकृष्ण मिशन और ढाका में भारतीय उच्चायुक्त के नए दूतावास परिसर का दौरा करेंगे। वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के साथ दोपहर भोज पर मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। मोदी इसके बाद कई बांग्लादेशी नेताओं और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। विपक्ष के नेता बेगम रोशन इरशाद और पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बेगम खलीदा जिया भी इस दौरान मोदी से मुलाकात करेंगी। वो बांग्लादेश के वामपंथी दलों के नेताओं और उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेश रवाना होने से पहले मोदी बंगबंधु स्टेडियम में बांग्लादेश के अलग अलग समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के पुल बांधते हुए उन्हें मसीहा करार दे डाला। उमा ने कहा कि मोदी साधारण प्रधानमंत्री नहीं, मसीहा हैं, जिसका भारत की आत्मा 1000 साल से इंतजार कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा को लेकर उठ रहे सवालों का भी उमा ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के पीएम के लिए अखबारों में लेख लिखा। उमा भारती ने पीएमओ में सत्ता केंद्रित होने को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया और कहा कि पहले पीएमओ कहीं और से चल रहा था, अब खुद पीएम चला रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नमामि गंगे पर सवाल उठाए हैं। अपनी सरकार से अलग रुख अख्तियार करते जोशी ने कहा कि गंगा नदी की सफाई के लिए जिस तरह से परियोजना चलाई जा रही है उससे अगले 50 साल में भी नदी साफ नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि जब तक नदी में लगातार जल प्रवाह नहीं होता गंगा की सफाई दूर का सपना होगा। जिस प्रकार नदी को छोटे हिस्सों में बांटकर छोटे जलाशयों में बदलकर इसकी सफाई की जा रही है, नदी अगले 50 साल में भी साफ नहीं हो सकती। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम लिए बगैर जोशी ने कहा कि गंगा में जल परिवहन शुरू करने की योजना बनाने वालों को भूगोल और भूगर्भ का ज्ञान ही नहीं है। जोशी ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी गंगा में बड़ी नाव और जहाज से यातायात शुरू करने की असफल कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि गंगा में जहाज या बड़ी नाव चलाने लायक पानी तो होना चाहिए। जोशी नदियों को जोड़ने की योजना से भी असहमत दिखे। वाराणसी के बजाय पिछले लोकसभा चुनाव में कानपुर से चुनाव लड़ाए जाने को लेकर उनकी तल्खी अभी तक खत्म नहीं हुई है।
उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उन्हें तो वाराणसी से कानपुर भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि गंगा की तरह अब राजनीति में भी प्रदूषण बढ़ गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पश्चिम बंगाल जाएंगे और जूट मिल के श्रमिकों और घर खरीदारों को संबोधित करेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा वो कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी हुगली के रिश्रा में स्थित वेलिंगटन जूट मिल मैदान में जूट मिल श्रमिकों से बातचीत करेंगे। जूट मिल श्रमिकों के साथ गांधी की मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब राज्य में कई जूट मिलें बंद हो रही हैं। मैगी को एक और झटका लगा है। रिटेल चेन रिलायंस फ्रेश ने देश भर के 200 शहरों में अपने 2621 स्टोर से मैगी समेत स्टैंडर्ड नूडल्स के 11 ब्रांड को हटाने का फैसला किया है। इसी बीच खबर है कि नेस्ले ने उत्तराखंड सरकार के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें राज्य में मैगी की बिक्री पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से 15 दिनों में जवाब मांगा है। उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, असम और बिहार में मैगी पर बैन है। मैगी की जांच करने वाली सबसे बड़ी संस्था FSSAI ने मैगी की 9 किस्मों को खतरनाक माना है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले से भारत में मैगी की 9 किस्मों के उत्पादन, आयात और बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही FSSAI ने नेस्ले को मैगी के बारे में प्रगति रिपोर्ट रोजाना पेश करने को कहा है। PMO ने भी रिपोर्ट मांगी है। FSSAI ने कहा है कि नेस्ले ने स्वाद बढ़ाने वाले तत्व MSG पर लेबलिंग नियमन का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि जांच में मैगी ब्रांड के 9 तरह के नूडल को खाने के लिए असुरक्षित और खतरनाक पाया गया है। केंद्र सरकार का रुख मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले पर और सख्त हो गया है। केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री हंसराज अहिर ने कहा कि नेस्ले को मेडिकल स्टोर पर अपने बेबी प्रोडक्ट नहीं बेचने चाहिए। अहिर ने कहा कि नेस्ले के बेबी प्रोडक्ट दवाई नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नेस्ले लोगों से ज्यादा पैसा वसूल कर उन्हें बेवकूफ बना रही है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि मैगी ने सुरक्षा मानकों के पालन न करने पर उसे हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज गुंटूर के मंडम गांव में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के निर्माण के लिए आधारशिला रखेंगे। आंध्र की नई राजधानी अमरावती के नाम से विकसित की जानी है और इसके लिए 7420 वर्ग किलोमीटर का मास्टर प्लान बनाया गया है। इसमें मुख्य राजधानी क्षेत्र तो 217 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहेगा। मुख्यमंत्री शहर के बाहरी क्षेत्र में कृष्णा नदी बांध के पास सुबह 8:49 पर भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन समारोह चुनाव आयोग से सहमति हासिल करने के बाद आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि कृष्णा और गुंटूर जिलों में अगले महीने निर्धारित विधान परिषद चुनावों से पहले आदर्श आचार संहिता लागू है। जम्मू में सिख युवकों ने लगातार तीसरे दिन कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच सिख प्रदर्शनकारियों ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर दिगियाना के नजदीक एक सिपाही जोगिंदर पाल को चाकू घोप कर जख्मी कर दिया। इस हमले के दौरान प्रदर्शनकारी उसकी AK-47 मशीन गन भी लेकर फरार हो गए। सिपाही की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि AK-47 को बरामद कर लिया गया है और हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर जम्मू में खालिस्तान समर्थक उग्रवादी जनरल सिंह भिंडरावाले का पोस्टर उतारे जाने के बाद भड़की हिंसा में एक शख्स की मौत के बाद पुलिस ने गोली चलाने वाले पुलिस बल मुकेश सैनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कश्मीर घाटी के सोपोर में आतंकी संगठन तहरीके तालिबान के नाम से जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के माध्यम से लोगों को धमकी दी गई है कि वो इस्लाम के बताए रास्ते पर चलें। इन पोस्टर्स में स्थानीय लोगों को धमकी देते हुए कहा गया है कि वो दूसरे राज्यों से काम के सिलसिले में आने वाले लोगों को अपने घरों में जगह ना दें, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। सबसे खतरनाक बात यह है कि पोस्टर्स में पंप मालिकों को धमकी देते हुए लिखा गया है कि वो सुरक्षा बलों को ईंधन ना दें। सोपोर में इससे पहले भी लश्कर ए इस्लाम नाम के आतंकी संगठन ने जगह जगह धमकी वाले पोस्टर लगाए थे। इसके अलावा महिलाओं को हिजाब पहनने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की वजह से टीम इंडिया की बांग्लादेश रवानगी एक दिन आगे बढ़ गई है। टीम इंडिया को एक टेस्ट और 3 वनडे मैच खेलने के लिए 7 जून को बांग्लादेश रवाना होना था, लेकिन अब टीम इंडिया 8 जून को बांग्लादेश के लिए रवाना होगी, जिसकी वजह से भारतीय टीम 10 जून को होने वाले टेस्ट से पहले कोई अभ्यास मैच नहीं खेल पाएगी। बताया जा रहा है PM के बांग्लादेश में होने की वजह से उस दिन टीम इंडिया को भी सुरक्षा मुहैया कराना बांग्लादेश सरकार के लिए मुश्किल होता, जिसकी वजह से भारतीय टीम की बांग्लादेश रवानगी एक दिन के लिए टाल दी गई। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की भागीदारी खतरे में पड़ गई है। भारत के 31 सदस्यीय दल के 21 सदस्यों को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी दूतावास ने ये अंदेशा जताया है कि ये लोग वीजा लेकर स्वदेश वापस नहीं लौटेंगे, इसलिए इन्हें वीजा नहीं दिया जा सकता। अमेरिकी अधिकारियों के फैसले से नाराज भारतीय तीरंदाजी संघ AAI ने विरोध जताया है। AAI ने विरोध जताते हुए इस चैंपियनशिप से हटने का फैसला लिया है।
तीरंदाजों के अलावा टीम के कोच कोरिया के चेई वोम लिम को भी अमेरिकी दूतावास ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। तीरंदाजों को कल अमेरिका रवाना होना था और 8 से 14 जून तक साउथ डकोटा के यांगटोन में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेना था। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिलाओं के सिंगल्स का फाइनल शनिवार को अमेरिका की सेरेना विलियम्स और चेक गणराज्य की लूसी सफरोवा के बीच होगा। 13वीं वरीयता वाली लूसी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में 8वीं वरीयता वाले स्टेन वावरिंका फाइनल में पहुंच गए। वावरिंका ने शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल में 14वीं वरीयता वाले फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा को 6-3, 6-7, 7-6, 6-4 से मात दी थी। आईसीसी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेलने को लेकर वो दखल नहीं दे सकता है। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव देव रिचर्डसन के मुताबिक वो चाहते हैं कि भारत पाक के बीच रिश्तों में सुधार आए, लेकिन वो दोनों देशों के बीच मैच खेलने को लेकर दखल नहीं दे सकते। और फिलहाल इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात टीम इंडिया के बांग्लादेश दौरे की, जहां टीम इंडिया को एक टेस्ट और 3 वनडे मैच खेलने के लिए 7 जून को बांग्लादेश रवाना होना था, लेकिन अब टीम इंडिया 8 जून को बांग्लादेश के लिए रवाना होगी। पाकिस्तानी बाल शिक्षा अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई पर 2012 में जानलेवा हमले को लेकर जेल की सजा काट रहे 10 आतंकवादियों में से 8 को रिहा कर दिया गया है। मलाला पर हमले के दोषी ठहराए जाने के बाद आतंकवाद निरोधी अदालत ने अप्रैल में 10 पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादियों को 25 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 2 लोगों को दोषी ठहराया गया। मुकदमे की सुनवाई पर बने रहस्य ने इसकी वैधता पर संदेह पैदा कर दिया है। चाइना में भारी बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ आई है। चीन के गिजुआ प्रांत में बाढ़ आने से फुकुआ के गांव में भारी तबाही हुई है। कई घर तबाह हो गए और गांव के करीब 35 लोग बाढ़ में फंस गए। लोगों को रेस्क्यू टीम ने सही सलामत निकाला, जिसके बाद करीब 50 पुलिस अधिकारियों को गांव वालों की मदद के लिए भेजा गया। इराक के पूर्व प्रधानमंत्री तारिक अजीज की जेल में मौत हो गई है। इससे पहले उनको मौत की सजा सुनाई गई थी। तारिक अजीज पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के करीबी लोगों में से थे। 2003 के अप्रैल में अजीज इराक में अमरीकी कमान को आत्मसमर्पण कर चुके थे। 2010 में अजीज को इराकी सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। तारिक अजीज को शिया धार्मिक पार्टियों के सदस्यों पर अत्याचार करने के आरोप में अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। अमेरिका के डेनवर में शुक्रवार की सुबह एक 15 फीट गड्ढे में एक पुलिस वाला गिर गया। तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पुलिस वाला रेंगते हुए गड्ढे से बाहर निकला। पुलिस वाले के मुताबिक उसे खुशी है कि वो ही गड्ढे में गिरा और किसी और को चोट नहीं आई। शुक्रवार को मलेशिया में आईफा अवार्ड्स की शुरुआत हो गई। ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड सितारों ने जमकर धमाल मचाया। ऋतिक रोशन, अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा जैसे सितारे अवार्ड्स में पहुंचे। आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा जहां अवार्ड नाइट के होस्ट थे, तो वहीं पूरा बॉलीवुड ग्रीन कार्पेट पर चमचमाता दिखा। टेक्निकल अवार्ड्स की कैटेगरी में हैदर को 6 अवार्ड मिले। ये अवार्ड 5 से 7 जून तक चलेंगे। फिल्म सरबजीत में पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन दलबीर कौर का किरदार निभाएंगी। ये फिल्म दिवंगत भारतीय कैदी सरबजीत सिंह और उनकी बहन की उनकी रिहाई के लिए किए गए संघर्ष की जीवनी पर आधारित है। सरबजीत एक भारतीय नागरिक थे जिन्हें 1991 में पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकवाद और जासूसी करने का दोषी ठहराया था और मौत की सजा दी थी। लाहौर के जेल में सरबजीत को 23 साल तक रखा गया, लेकिन आतंकवादी अफजल गुरु की मौत के बाद एक साथी कैदी ने सरबजीत की हत्या कर दी। अभिनेत्री विद्या बालन अमर गेम में शामिल नहीं है, इस बात को लेकर वो कभी परेशान भी नहीं रहती। ये बात खुद विद्या बालन ने कही है। उन्होंने कहा, मैं अपने काम को लेकर चिंतित रहती हूं और अपने काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करती हूं। मैं अपने फिल्म में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयत्न करती हूं, लेकिन कभी नंबर 1 बनने के लिए परेशान नहीं होती।